नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुमन रावत। गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा के हड्डी कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने आ गई। पूरे देश में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। गांधी परिवार के जिस तरह से एसपीजी सुरक्षा हटाई गई है, इसको लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और पहले दिन से ही गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा का मुद्दा गरमाया हुआ है। 18 या 19 तारीख को यूथ कांग्रेस ने सांसद का घेराव किया और चारों ओर से सांसद को घेर लिया। उनका मुद्दा था कि गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा क्यों हटाई गई, और आज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा जी की अगुवाई में दिल्ली में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जंतर मंतर में। उनका कहना है कि गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा वापस क्यों ली गई, क्योंकि 1991 में जब राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी तो गांधी परिवार को एसपीजी सुरक्षा मुहैया करवाई गई थी, लेकिन अब वो वापसी ली गई है, ऐसा क्यों? इससे बहुत से सवाल उठते हैं और आज हम जहां मौजूद हैं जंतर मंतर में, यहां की जनता से, यहां के वरिष्ठ नेताओं से हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है, और अगर वो धरना प्रदर्शन करते हैं तो इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार का कहना है कि गांधी परिवार को एसपीजी सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ एक दिखावा है, एक छलावा है। उनका कहना है कि उन्होंने जो जेट प्लस की जो सेवा है मुहैया कराई है वो उनके लिए इनफ है, लेकिन जनता क्या कहती है, वरिष्ठ नेता क्या कहते हैं, उनसे हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र यादव जी, जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। चलिए इनसे जानते हैं आज जंतर मंतर के प्रदर्शन के बारे में। सर, आज का ये जो मुद्दा है, ये जो आपने धरना प्रदर्शन किया है, ये क्यों किया है, इसका क्या रीजन है? देखिए, बहुत ही दुखद है, एक ऐसा परिवार जिसके परिवार के बड़ों ने प्रधानमंत्री रहते हुए देश के लिए शहादत दी, आज उनकी सुरक्षा में इस तरीके की जो चूक ये भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, ये बहुत ही दुखद है। पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार के लिए बनी एसपीजी, विशेष रूप से इसका गठन किया गया था इसी कार्य के लिए कि जो परिवार प्रधानमंत्री रहे हैं या उनका परिवार रहा है, उनको वो सुरक्षा प्रदान कर सके। आज जिस तरीके का माहौल पूरे देश में है, एक आम आदमी सुरक्षित नहीं है, और ये एक ऐसे परिवार से सुरक्षा हटाने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही घिनौना काम है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। सर, विपक्ष का कहना है जो इनके जो जेट प्लस की सेवा मुहैया कराई गई है वो काफ़ी है। मैंने कहा कि इवेल्युएशन इससे कुछ दिन पहले ही स्वयं एसपीजी लिख के दे रही है कि ये सुरक्षा में अभी कमी है और इनको लगातार जो थ्रेट है वो बनी हुई है, लेकिन उसके उलट जो ये अपनी राजनीतिक मंशा को पूरा करने के लिए कोई भी एक सब कमेटी बनाते हैं और उससे कोई भी रिपोर्ट लिखवाने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका हो गया है और इस तरीके को अब आम जनता है वो समझ चुकी है और उसको उसी तरीके का रिजल्ट अब सामने आ भी रहा है। सर, कहीं ऐसा नहीं लगता कि मोदी सरकार की राजनीति के बीच में कांग्रेस फंसती जा रही है? नहीं नहीं, मैं जैसा कहा, राजनीति करना हम सब का उद्देश्य भी है, लेकिन उसके लिए देश को, देश की सुरक्षा या एक आम जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा कहना है। सर, आपके कहना चाहेंगे आज मुद्दे के बारे में? मेरा भी यही कहना है जो अभी देवेंद्र जी ने कहा है। सर, एसपीजी सुरक्षा जो वापसी ली गई, उसका क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल गलत है और ये राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर किया गया है, अन्यथा ऐसा होना नहीं चाहिए था। उस परिवार के खिलाफ जाके ये काम किया जा रहा है जिस परिवार ने इस देश की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद में सेवा की है, इस देश के लिए अपना बलिदान दिया है, तो राजनीति से प्रेरित कोई भी काम नहीं होना चाहिए। राजनीति से प्रेरित जितने काम आज हो रहे हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, GST को लेकर, लेकिन इनका जो काम है वो जनता के जो किए हुए वायदे थे उसके उलट है। जितने ये काम कर रहे हैं, ये कोई भी काम इनके मैनिफेस्टो में नहीं था। ये अगर एक बात कहते या इस तरह की बातें कहते, GST जैसी बातें कहते, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके अगर ये बात कहते, और आज देश के उस परिवार की सुरक्षा इन्होंने हटा दी है कि जिस परिवार ने अपना बलिदान दिया है, तो जनता इनको कभी भी सत्ता में नहीं लेके आती। सर, जैसे आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इससे क्या मोदी सरकार को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क पड़ना चाहिए। राजनीति में हमारे पास में कोई और हथियार नहीं है, अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का हमारे पास में एक यही हथियार है आक्रोश के रूप में। आज हम लोग पूरे देश के अंदर इस बात को पहचाना चाहते हैं कि आज जो भाजपा सरकार है, जो
सरकार केंद्र में बैठी है वो सरकार जनता के नुमाइंदगी ना करके, जनता के जो हित के काम है वो ना करके आज ऐसे काम कर रही है जिन कामों का इस सरकार को नहीं करना चाहिए। और ये खाली केवल और केवल एक हमारे गांधी परिवार का सवाल नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की भी सुरक्षा इन्होंने वापस की है, तो किस लिए SPG का गठन हुआ? सवाल ये है कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप क्यों है, वो किसके लिए है? क्या उन लोगों के लिए जो सत्ता में बैठे, या उन लोगों के लिए जो नागपुर में बैठे? उनका क्या योगदान है जो नागपुर में आज बैठे? नागपुर में इनका हेडक्वार्टर है, वहाँ पर तो SPG दे दी इन्होंने, किस लिए? नागपुर के लिए थोड़ी बनी थी, SPG बनी है उन लोगों के लिए जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, उन लोगों के लिए जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। गांधी परिवार से जो SPG सुरक्षा वापसी ली गई, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? सरकार को खुद समझना चाहिए, सरकार का दायित्व है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस परिवार से दो लोगों की कुर्बानी कहेंगे हम, जो कि हर परिस्थितियों में जिस तरह की संघर्षों को उन्होंने उठाया और जिस तरह की परिस्थितियों में वो जूझे, उसी का कारण था कि इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, राजीव गांधी जी की हत्या हुई। और SPG का जो स्तर होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का, वो किसी और सिक्योरिटी से कहीं ऊंचे दर्जे का होता है। और ऐसे ही संवेदनशील स्थिति में जो लोग रहते हैं उनके लिए ही SPG है। SPG पहले जहाँ पर भी जाना हो रेकी करती है, SPG रॉ के साथ संपर्क रखती है। और यहाँ तक कि राजीव गांधी जी के जब हत्या हुई तो राजीव गांधी जी की उस घटना से पहले SPG हटा ली गई थी। तो कहिए अपने यहाँ पे बहुत बड़ा सबूत और कारण नहीं है कि SPG नहीं हटानी चाहिए। तो इस परिवार को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, मनमोहन सिंह जी को, प्रियंका जी को, राहुल जी को और सोनिया जी को, एक संवेदनशील परिवार है और देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी SPG हटा देना बहुत से प्रश्न उठाता है कि कारण क्या है। उन्होंने बताया है कि जेट प्लस की जो सुरक्षा है वो हमें मुहैया कराई गई, क्या वो काफ़ी नहीं है? नहीं नहीं, देखिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स का जो दायरा है वो इस तरह का है कि उनका कम्युनिकेशन जहाँ बहुत अति संवेदनशील व्यक्तित्व का मूवमेंट है उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, किसी भी दूसरी सुरक्षा को SPG के साथ तुलनीय नहीं माना जा सकता। और जिस तरह का खतरा उनके साथ था, जिस तरह का खतरा उनके परिवार के साथ रहा है, उस परिवार ने दो दो प्रधानमंत्री खोए हैं, उस परिवार की सुरक्षा ना करना या उसकी सुरक्षा में कमी करना वो कहीं ना कहीं बहुत छोटी मानसिकता को राजनीति में दिखाता है। हम समझते हैं कि राजनीति में बड़ी सोच होनी चाहिए, राजनीति बदले की नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है? जी मेरा नाम अखलाक अहमद खान है, मैं कहना चाहता हूँ आज साफ तौर पर देखा है कि जनता में जो आक्रोश है वो बदले की राजनीति जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, कभी ED का, कभी CBI का, कभी ये SPG को हटाने का, ये इतना मतलब शर्मनाक है, देश देख रहा है पूरी तरह से। आज 9,000 करोड़ का जो है इन्होंने कर्ज माफ़ कर दिया अपने अडानी, अंबानी, रिलायंस, वेदांता, हर ग्रुप को। देश में त्राही त्राही मची हुई है, आज जनता सड़कों पर है और जनता सवाल चाहती है। और जब सवाल की बात करेंगे तो ये लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कभी 370 की बात करते हैं, कभी घर वापसी की बात करते हैं, कभी लव जिहाद की बात करते हैं। तो असल मुद्दों पे जनता बात चाहती है, यही अहंकार इनका महाराष्ट्र में और हरियाणा में पूरी तरीके से जनता ने दिखा दिया। जनता जनार्दन होती है और जनता ने साफ तौर पर यह दिखाया है कि आज आपको रोटी, कपड़ा और मकान, बेरोजगारी की बात, महिलाओं की सुरक्षा की बात, किसानों की बात, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये बड़े हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं। वही इन्होंने कर्नाटका में किया, सरकार गिराई और वहाँ पे जो है अपना जो है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाई कि जो लोग आरोग्य थे उनको कैंडिडेट बनाया है, ये इनका दोहरा चरित्र है जो पूरा देश ने दिखा दिया। PDP के साथ सरकार बनाते हैं, वहाँ उसको पहले देशद्रोही कहते हैं, उसके बाद उसके साथ सरकार बनाते हैं। तो ये सत्ता के लालसा में सब कुछ करने को तैयार हैं, इनकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई इनका जो है एजेंडा नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आप देखिए इसी तरह से ये ओवर कॉन्फिडेंस में थे तभी इनका जो ये गठबंधन है वो जो टूटता हुआ नजर आया, क्योंकि इनको मैंडेट मिला था सरकार में बैठने का, लेकिन बड़े हिस्सेदारी के लिए लड़े, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। और कभी NRC पे हमारे देश के गृहमंत्री कहते हैं एक 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 मजहब की बात नहीं करते, बाकी सब धर्मों की बात करते हैं और फिर यूटर्न लेते हैं उस पर, वो फिर उसमें मुस्लिम को भी ऐड करते हैं। तो ये इनका डबल गेम है, जनता को समझ जाना चाहिए कि जिस तरीके से रोटी, कपड़ा, मकान, बेरोजगारी, किसानों की बात और अर्थव्यवस्था की बात, सारे मुद्दों पे पूरी तरह से सरकार फेल है। आज सवाल करती है जनता और उसे जवाब चाहिए
और इनका गुरूर और घमंड जैसे यहाँ टूटा है आने वाले विधानसभा चुनाव में भी टूटेगा और जो है झारखंड में भी पूरे देश में जनता जाग गई है और जनता सवाल चाहती है। जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना के साथ वो गठबंधन कर रही है कांग्रेस। हाँ मैं बताता हूँ उसमें आपको, लेकिन कांग्रेस के सिद्धांत अलग हैं और शिवसेना के अलग, लेकिन अपने सिद्धांतों से क्या हट रही है कांग्रेस? मैं बताता हूँ, देखिए कभी कांग्रेस ने हमेशा भारतीयता की बात की है, सेकुलरिज्म की मिसाल है कांग्रेस। कांग्रेस कभी अपने, तभी इतना वक्त लगा है आज बैठ के, अभी इस पर टिप्पणी करना नहीं है, मीटिंग चल रही है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, ये तो इनका इतिहास है। जो आप कह रहे हैं इनकी आइडियोलॉजी नहीं है, आप देखिए पीडीपी को देशद्रोही कहते थे और जैसे ही सत्ता खत्म हो गई फिर उसके बाद देशद्रोही हो गई वो, और इसी तरह से कर्नाटका में इन्होंने सरकार जबरन गिराई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ये साबित कर दिया। मैं तो कहता हूँ कर्नाटका, गोवा में इन्होंने गिराई और इसी तरह का ये महाराष्ट्र में भी खेल कर रहे थे। अगर इन्हें इन्हें लालसा नहीं थी तो सरकार बनाते, उनके साथ मैंडेट मिला था उनको, कॉमन मिनोग्राम प्रोग्राम बन के जनता के हित को सामने रखते हुए। और मैंने ये तमाम चैनलों पर किया है, न्यूज 18 पे मैं बैठता हूँ, कांग्रेस की तरफ तमाम चैनल्स पे मैंने कहा है, आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठा के, कि जनता इनके अहंकार को धो देगी। और वही फैसला हुआ, कहा ये 10 सीट बताते थे हरियाणा में और 40 बताते थे एनसीपी और इसकी गठबंधन की, पूरा उलट दिया, क्योंकि ये जनता है और जनता जानती है ये डेस्पोटिक है। अगर व्यक्ति पूजा होती है धर्म में, हो सकता है मोक्ष मिल जाए, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, लेकिन अगर राजनीति में व्यक्ति पूजा होती है तो ये समझ लीजिए डेस्पोटिक है, तानाशाही का मार्ग है, और सारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कुचल के रख दिया है मोदी ने, कुछ भी नहीं छोड़ा है। और रक्षा सुरक्षा तो प्राथमिक कर्तव्य है, अनिवार्य कर्तव्य है, ऐच्छिक कार्य नहीं है, ये ही इज एट फॉल्ट, उसे नीचा देखना पड़ेगा। देखिए ऐसा है, मोदी जी और अमित शाह, ये तानाशाही इस देश में नहीं चलेगी। इंदिरा जी ने, राजीव जी ने बलिदान दिया, इस देश के लिए कुर्बानी दी, उनकी हत्या की गई और हत्या के बाद आज उनकी पत्नी सोनिया गांधी, उनका बेटा राहुल गांधी, उनकी बेटी प्रियंका गांधी, जिनको सुरक्षा, मनमोहन सिंह जिनको सुरक्षा चाहिए, और देश के अंदर कितने खतरनाक क्या हालात हैं आज देश के। अब अपनी सुरक्षा तो मोदी जी चाहते हैं एसपीजी की, लेकिन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की, जिसने कांग्रेस ने हमेशा बलिदान कुर्बानी दी हो, उस परिवार के लिए तुम एसपीजी हटा रहे हो, दुश्मनी ले रहे हो, राजनीति कर रहे हो, इसमें भी राजनीति, शर्म आनी चाहिए अमित शाह को, इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, कम से कम राजनीति तो नहीं करनी चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और मनमोहन सिंह जी को एसपीजी देनी चाहिए, ये एक वर्ल्ड क्लास नेता हैं और इनकी सुरक्षा आज बहुत ज़रूरत है। जिस प्रकार से इस देश के अंदर आतंकवाद जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए इनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरत है। सर मैं ये पूछना चाहेंगे, जैसे आज का जो प्रदर्शन किया है, क्या ऐसे कोई रिजल्ट सामने आएगा? सुभाष चोपड़ा जी ने आज गली से दिल्ली तक के लोगों की जो समस्या थी, हिंदुस्तान के लोगों की जो सोच थी, आज वो उजागर कर दिखाई है। इतना भारी जनसमूह गली से दिल्ली तक जो लोग निकल कर आए हैं, ये केवल एक ही तरीके से जानते हैं, इंदिरा जी का बलिदान हुआ, राजीव गांधी जी की भी जान ले ली, और अगर ऐसे नेताओं की अगर सुरक्षा को अगर आप नहीं चिंतन मंथन करोगे तो उससे और बड़ा घेराव कर दिया जाएगा, और एसपीजी जो है ना, इनको लगाने के लिए मजबूर करनी पड़ेगी और होना भी पड़ेगा। ये तानाशाही नहीं चलेगी, हमारे देश का तिरंगा है ये, दो रंगा यहाँ पर नहीं चलेगा। सर आप कहना चाहेंगे आज के मुद्दे पर? जो भी कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, ये राजनीति में जो कुछ कर रहे हैं ये लोग, शाह और मोदी जी और ये उनकी पार्टी गलत कर रही है। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनसे साथ एसपीजी लेकर ये अन्याय हो रहा है, हम इसके लिए संघर्ष करेंगे, दोबारा एसपीजी दिला कर रहेंगे। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गांधी जी की अपनी कुर्बानी रही है, सोनिया जी की, राहुल जी की, और अपना इंदिरा जी ने कुर्बानी दी है देश के लिए, राजीव गांधी जी ने कुर्बानी दी है, सरकार बिल्कुल एक तरफा फैसला कर रही है और दादागिरी कर रही है, और दादागिरी के प्रोटेस्ट को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पर एक ये पुतला, इसके खिलाफ हम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ। तो सरकार का कहना है जो उन्हें जेट प्लस की सेवा जो मुहैया कराई है गांधी परिवार को, क्या काफ़ी नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जब एसपीजी सुरक्षा उनके उनके परिवार की कुर्बानियाँ रही हैं, आप उसको देखिए, सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा खतरा है, आप उनको सुरक्षा की मांग को लेकर के आज हम सुभाष चोपड़ा जी की लीडरशिप में यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करने आए हैं सरकार के खिलाफ। तो इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, क्यों लगता है आपने कि उनसे वापसी ली गई सारी सुरक्षा? सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, वो सोचती है कि इनकी सिक्योरिटी वापस ले जाएं, और राहुल अपना कांग्रेस पार्टी का इतना इतिहास रहा है, बलिदान का इतिहास रहा है, उसको देखते हुए इसको पचा नहीं पा रही है मोदी सरकार, और तुष्टिकरण की नीति से और उसकी बदले की भावना से ये कार्रवाई की गई है। सर हम जानना चाहेंगे जो गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा वापसी ली गई, क्या इसके पीछे सरकार को कोई षड्यंत्र है? इसमें षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, आपको समझना चाहिए। जिस परिवार ने,
देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, उसकी एसपीजी हटा ली। पहले भी इसी तरह राजीव गांधी जी की एसपीजी हटाई दी गई थी और उस वक्त एसपीजी हटाने से राजीव गांधी जी का क्या हाल हुआ है सब पूरी देश जानता है, और फिर उन्होंने वही गलती की है। ऐसी इनको कभी नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम मर मिटेंगे, हम एसपीजी वापस दिला के रहेंगे गांधी जी परिवार को। सर, सरकार का कहना है कि जो जेड प्लस की जो सेवा है उन्हें मुहैया कराई गई है, क्या वो काफ़ी नहीं है? बिल्कुल काफ़ी नहीं है। जेड प्लस सुरक्षा और एसपीजी में दिन और रात का फर्क है। आपको भी पता होना चाहिए कि भाई एसपी की सुरक्षा में क्या क्या चीज़ें होती है। जैमर तक लगे होते हैं, उनकी चीज़ों का सुरक्षा होती है, बम रोधक दस्ते होते हैं, सब चीज़ें होते हैं, उसी से उनकी सुरक्षा बन सकती है। अन्यथा जेड प्लस तो किसी को भी दे दो, किसी भी कुछ कर लो, ये सुरक्षा नहीं है, ये सिर्फ एक बहाना है उनका। सर, क्या लगता है कि मोदी सरकार की राजनीति के जाल में कांग्रेस सरकार फंसती जा रही है? बिल्कुल नहीं, हम फंसने वाले नहीं है। हम पहले अंग्रेजों से लड़े थे, अब इस चोर सरकार से लड़ेंगे। हमें इतना दम है, हम लड़के दिखाएंगे और एसपीजी वापस लेके दिखाएंगे। आज का जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो मोदी सरकार एक राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर गांधी परिवार के खिलाफ नए नए तरीके से उनके ऊपर प्रेशर बनाना चाह रही है, ये उसके खिलाफ जनता आक्रोश है जो आज सबके सामने सड़कों पर उतरा है। और अगर मोदी सरकार इसको आज नहीं समझेगी तो आने वाले समय में जनता और इसका भरपूर विरोध करेगी। देखिए, गांधी परिवार देश की विरासत है। आज पूरा वर्ष विश्व जानता है कि चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी हों, राजीव गांधी जी हों, राजीव गांधी जी की हत्या हुई पूरा देश जानता है, प्रधानमंत्री काल में हुई, इंदिरा जी की हत्या हुई प्रधानमंत्री काल में हुई। तो जब ये सुरक्षा की दृष्टि से इनको सुरक्षा की दृष्टि से ये एसपीजी प्रोटेक्शन दिया गया था और एसपीजी प्रोटेक्शन का जो गठन हुआ था वो उन्हीं के शासनकाल में हुआ था। आज नरेंद्र मोदी ये हिटलर शाही अपनी राजनीति करके अमित शाह जो उनकी रणनीति बनी है, ये इसका हमारी कांग्रेस पार्टी तो पुरजोर खंडन कर ही रही है और देश का हर आम आदमी इस बात के खिलाफ है कि एसपीजी सुरक्षा जो उनसे हटाई गई है उनका सुरक्षा का कारण है। राहुल गांधी जी की सुरक्षा हटाई गई, प्रियंका गांधी की सुरक्षा हटाई गई, हमारी सोनिया गांधी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी सुरक्षा हटाई गई है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन सरकार का कहना है जो जेड प्लस की उनको सुरक्षा मुहैया कराई गई है वो काफ़ी है। नहीं, उन्होंने कहा जेड प्लस की सुरक्षा तो बहुत आम लोगों पर भी है, लेकिन जो गांधी परिवार का जो नाम है, गांधी परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी है और जो एसपीजी हटाई गई है, हम इसके विरोध में इसको कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि उनके लिए एसपीजी सुरक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका कहना है ये सिर्फ दिखावा है। वो तो क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी या अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी जो तरह तरह की बयानबाजी करते हैं आज गांधी परिवार के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, ये पूरा देश जानता है, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। देखिए, आपको इस बात का आभास होना चाहिए, लंबे समय तक कांग्रेस शासन में रही, बहुत कड़े फैसले लेने पड़ते हैं सरकारों को और उनकी जान को खतरा भी होता है जो सत्ता में रहते हैं और फैसले लेते हैं। आपको याद करना होगा, अगर संघियों की सरकार है, उन्हें कुर्बानी शहादत से उनका दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं है, इसलिए वो भूल गए कि आज़ाद हिंदुस्तान की पहली गोली किसी का सीना चीर कर गई थी, तो वो सीना किसी और का नहीं, महात्मा गांधी जी का सीना था और गोली नथुराम गोडसे जहरीली विचारधारा रखने वाली संघ की थी। यही नहीं रुकते हैं, दूसरी शहादत किसने दी, पहली देश की महिला प्रधानमंत्री, कड़े फैसले लिए उनको शहादत देनी पड़ी। तीसरी कुर्बानी किसने दी, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए कड़े फैसले लेने वाले श्री राजीव गांधी जी को अपनी शहादत देनी पड़ी। ये शहादतों का इतिहास और विरासत है। आज उसी परिवार की आप एसपीजी सुरक्षा हटा लेते हैं जिसके परिवार ने सत्ता में रहते हुए कड़े फैसले लिए हैं। आज जिनके खिलाफ देश को एक रखने के लिए उन्होंने फैसले लिए थे, उन दुश्मनों के लिए आपने आज एसपीजी सुरक्षा हटाकर खुला मैदान छोड़ दिया है। और बात सिर्फ उन्हीं की नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह गांधी परिवार से नहीं आते, 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। प्रणब मुखर्जी गांधी परिवार से नहीं आते, राष्ट्रपति रहे, बहुत से फैसलों पर हस्ताक्षर किए। मनमोहन सिंह जी ने 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए कड़े फैसले लिए हैं, आज उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है, इतना नीचे गिर गया कि आप व्यक्तिगत और पर्सनल अपनी भड़ास निकालने लग गए कि आपको इस देश ने सत्ता से दूर रखा और जिन लोगों की वजह से रखा आप उनको इस तरीके से निशाना बना रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि आपने बहुत बड़ा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा संघ और अमित शाह जी के गृह मंत्री हैं देश के, आपने बहुत बड़ी रिस्क ले लिया है। भगवान नहीं करे कांग्रेस का कार्यकर्ता देश के करोड़ों लोगों की, जिन मजदूर किसानों के लिए कांग्रेस में सत्ता में रहते हुए कुछ किया है, आज उनकी दुआएं हैं उनके साथ। फिर भी मैं कह रही हूँ, भगवान नहीं करे 19-20 कुछ भी आ जाती है इन लोगों के ऊपर,
उन लोगों से खतरा है जिनके खिलाफ कड़े फैसले लिए देश के प्रधानमंत्री रहते हुए सत्ता में रहते हुए। अगर कुछ भी 19-20 होता है दोषी कोई और नहीं, सीधा सीधा देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह आप दोषी होंगे। और ये देश के उन लोगों के को आप संदेश दे रहे हैं, उन देश के दुश्मनों को आप संदेश दे रहे हैं जिनके खिलाफ कड़े फैसले लिए गए कांग्रेस में सत्ता में रहते हुए कि वो आपके लिए खुला मैदान है, एसपीजी सुरक्षा हटा दी गई है। लेकिन उनका कहना है जो जेड प्लस की सुरक्षा मुहैया करा गई है वो काफ़ी है। जेड सुरक्षा भाजपा संघ आरएसएस की जब से सरकार आई है, जिला लिस्ट निकालिएगा किनको जेड सुरक्षा दी गई है। छुट भैये नेता जिनको टिकट नहीं मिली नाराज हो गया, जिनको मंत्री पद नहीं मिला नाराज हो गया, खुश करना है चलिए जेड सुरक्षा देकर खुश कर दीजिए। कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मय आनंद, ऐसे छुट भैये नेता बलात्कार के आरोपी हैं, उनको जेड सुरक्षा मिली हुई है। आपने खिलवाड़ किया है सुरक्षा के साथ, एसपीजी सुरक्षा और जेड सुरक्षा में कितना फर्क है वो समझ आता है सबको। देरी कुछ नहीं होती, दिल्ली देश पूरी खुली किताब है, देख रहा है सुन रहा है, चाहे वो युवा हो, छात्रों, किसान हो, बेरोजगारी हो, सब इस खुली किताब को देख रहा है। कांग्रेस ने कुछ देरी नहीं की है, कांग्रेस ने देरी नहीं की है, पर 2019 में हम सब लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इन सब चीज़ों के बाद, बेरोजगारी, महंगाई के बाद, भ्रष्टाचार के बाद, इस सत्ता में वापस इस तबके पे आएंगे। तो थोड़ी तैयारियों में समय लगता है वापस अपने हथियारों को धार धार करने के लिए। आज उन्हीं मुद्दों को लेकर, हथियार बनाकर मुद्दों को हम आज सड़कों पर दोबारा कांग्रेस से। बहुत अच्छी बात है, भाजपा की सरकार आते ही पता लग गया ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री को, छुटभैया नेताओं को सबसे ज़्यादा इस देश के लिए खतरा हो गया जिनको पूरी देश की सुरक्षा जो है उन्हीं के पीछे लगा दी गई है। हर नेता की एक जेट सिक्योरिटी को प्लस सिक्योरिटी ये वो किया जा रहा है। समय बताएगा, भगवान कर दे हम भी ये मान दें ऐसा कुछ नहीं। देखिए ये व्यक्तिगत लड़ाई है ही नहीं, मैंने आपको उदाहरण बताए कि कांग्रेस गांधी परिवार का शहादत से और सत्ता में रहते हुए उस परिवार ने, उनके लोगों ने कड़े फैसले लिए हैं, दुश्मनों के खिलाफ लिए हैं, उस दुश्मन के मन में जहर है, कभी भी हमला कर सकते हैं, तो उस डर से ही ये सुरक्षा उनको और उनके परिवारों को दी गई थी, आज हटा ली गई है। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, उन किसान, उन मजदूर, उन युवाओं की, देश के करोड़ों लोगों की दुआएं उस परिवार के साथ हैं। हम भगवान से दुआ करते हैं आज भी ना आए, मनमोहन सिंह जी का बाल भी बाका कभी ना कोई कर पाए 10 साल सत्ता में रहते हुए जिन्होंने कड़े फैसले लिए हैं। पर भगवान ना करे कुछ भी हुआ, दोषी यही लोग होंगे। सब कुछ कर सकते हैं हम, प्राइवेट क्या नहीं कर सकते हैं, है ना। सरकारें तो हम लोग यूं ही चुनते हैं, सरकारों को करोड़ों रुपया तो हम लोग उड़ाने के लिए देते हैं। अपने ऊपर उड़ाइए, हटाइए ना, सबकी हटाइए, देश का एक कानून ले आइए कि पूरे देश में किसी को, जैसे आप यूरोपियन कंट्री में देखेंगे देश के प्रधानमंत्री मंत्री नॉर्मल आदमी की तरह अपने दफ्तर जाता है, मेट्रो से जाता है, आता है, जाता है, काम करता है, कुछ नहीं उसको, किसी से खतरा नहीं है। तो फिर हटा दीजिए ना सबकी। छुट भैया नेता दो कोड़ी की औकात नहीं है जिनकी बलात्कार के आरोप में जेल में है, उनको आप सुरक्षा देकर सुरक्षित करते हैं, और उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, देश में सत्ता में रहते हुए कड़े फैसले लिए दुश्मनों के खिलाफ, उनकी सुरक्षा हटाकर आप उनसे नहीं, मैंने फिर दोबारा दोहरा रही हूँ, उस दुश्मन को संदेश दे रहे हैं मैदान खुला है आइए। लेकिन हम लोग भी पूरी तरह कोच बन के खड़े हैं। आखिरी सवाल है कि सुरक्षा पर बात चल रही है तो जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं उनको जो है रक्षा मंत्रालय में जगह देने की, कितना भद्दा मजाक है। कौन है साध्वी प्रज्ञा? भगवा धारी आतंकी आरोपी, 10 साल जेल में रहती है, गोडसे जिसमें, जिसको गोडसे में देशभक्त दिखता है, जिसमें हेमंत करकरे में जिसको शहीद नहीं आतंकी जैसा वो उससे, उसके बारे में सोचती हैं, उस महिला को देश की सुरक्षा कमेटी में रखना इस देश के दुर्भाग्य और विडंबना है, और साफ दिखाता है कि क्या कर रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, आतंकवाद, नक्सलवाद, और प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों का, आतंक के आरोपियों का देश की सुरक्षा कमेटियों में आना दुर्भाग्य है। देश देख रहा है, सुन रहा है और समझ भी रहा है। मोदी जी ने कहा मैं कभी माफ नहीं करूंगा, अब मोदी जी के लिए क्या कहूँ, दोगला चरित्र, दोगला चेहरा, दोगली चाल है उनकी, सबसे बड़ा उदाहरण यही है। प्रज्ञा ठाकुर माफ नहीं करूंगा क्योंकि गोडसे को देशभक्त बताते हो, हेमंत करे देशभक्त को ऊपर आप शराब देने की बात करते हो, उसको आपने कैसे माफ किया, डिफेंस की कमेटी में लाकर। तो दोगला चरित्र, दोगला चेहरा, दोगली चाल है नरेंद्र मोदी जी की, समय समय पर खुद बेनकाब हो रहे हैं, प्रज्ञा ठाकुर के मामले में एक बार फिर बेनकाब हुए हैं। देखिए सरासर दिखाई दे रहा है कि ये बदले से, भावना से की हुई कार्रवाई है, क्योंकि वो परिवार जिसने देश में कुर्बानी देकर इस देश को सींचा है, देश को विकास दिया, देश को दिशा दी, वो परिवार कोई दिखावे के लिए एसपीजी सुरक्षा नहीं है, उनके परिवार ने कुछ खोया है,
उनके परिवार ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। वो एसपीजी सुरक्षा हटाकर मोदी जी क्या दिखाना चाहते हैं? मोदी जी बदले की भावना से कर रही है कार्रवाई, जो आज देश को दिखाई दे रहा है कि आज गांधी परिवार की सुरक्षा हटाने का मतलब है एक आंदोलन की आवाज़ को दबाना, एक उस परिवार उस व्यक्ति की आवाज़ को दबाना जो व्यक्ति जो परिवार जो पार्टी देश की दिशा और नीतियों को मजबूत करती है। आज सोनिया जी आज राहुल जी इस देश के अंदर अच्छा कुछ करना चाहते हैं। गांधी जी परिवार ने जितने भी काम किए हैं, देश महिलाओं की बात करें, अगर हम दलितों की बात करें, कांग्रेस के पास नीतियाँ हैं, इनके पास कोई नीति कुछ प्रोग्राम नहीं है, इनके पास एक ही प्रोग्राम है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, जो नीतियां मजबूत करना चाहता है, जो हमारे खिलाफ़ बोलता है उसको टारगेट करो, उसी टारगेट की कार्रवाई पे आज एसपी की सुरक्षा हटाई गई। देखिए पूरी तरीके से मोदी सरकार बदले की राजनीति जो है वो गांधी परिवार के साथ कर रही है, मगर सबसे ज़्यादा शर्म की बात ये है कि वो किसी की जान के साथ खेलने से भी गुरेज नहीं कर रही। इस स्तर की राजनीति जो भाजपा कर रही है ये बेहद शर्मनाक है। हम जानते हैं किस तरीके से इंदिरा जी को इस देश ने खोया है, राजीव जी को इस देश ने खोया है, और कोई ऐसी घटना ना हो इस कारण उनको एसपीजी सुरक्षा दी गई थी। हम लोग जब सरकार में थे हमने कभी किसी भाजपा नेता की सुरक्षा वापस नहीं ली, कभी इस तरीके की राजनीति हम लोगों ने नहीं की। हम सरकार से सिर्फ यही मांग करते हैं सोनिया जी की, राहुल जी की, मनमोहन जी की सुरक्षा इस देश के लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। सरकार इस पर ध्यान दे और एसपीजी सुरक्षा उनको वापस करे। सरकार का कहना है जो एसपीजी सुरक्षा वो सिर्फ एक दिखावा है, उन्हें जेट प्लस की सुरक्षा मुहैया करा दी गई है, क्या ये काफ़ी नहीं है? देखिए सरकार को एसपीजी जब उन्हें इतने सालों से मिल रही थी, सडनली ऐसा क्या हुआ कि सरकार उन्हें जेड प्लस देना चाहती है, एसपीजी नहीं देना चाहती? एसपीजी एक स्पेशल कैटेगरी की सुरक्षा है जो कि प्रधानमंत्री जी को मिलती है। प्रधानमंत्री जी अपनी सुरक्षा भी छोड़ दें अगर उन्हें लगता है कि एसपीजी एक दिखावा है, खुद भी वो जेड प्लस ले लें। सरकार पूरी तरीके से बदले की राजनीति कर रही है, घटिया राजनीति कर रही है, जिसका आज हम सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता मिलकर यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज के मुद्दे पर? ये इनकी जो स्कूटी हटाई गई है, राहुल जी की, प्रियंका जी की, सोनिया जी की, ये बिल्कुल बदले की भावना से ही है मतलब हटाई गई है, और इनको दोबारा एसपीजी स्कूटी इनको वापसी करनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि वो पहले से ही एक आतंक के निशाने पे और सुरक्षा के उनको एसपीजी स्पेशल स्कूटी की मतलब कैटेगरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए और मिलेगी, जब तक मिलेगी नहीं जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अभी तो शांतिपूर्वक चल रहा है, आगे और भी अगर नहीं इस पर सरकार जल्द से जल्द ध्यान नहीं देती है, जल्दी से एसपीजी वापस नहीं करती है, तो ये रास्ता और आगे के लिए और कड़ी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता छोटे से बड़े तक तैयार हैं और लड़के और वापसी ले के रहेंगे। ये मोदी सरकार और बीजेपी सरकार के बिल्कुल ही बदले की भावना है, ये बिल्कुल मतलब कांग्रेस को एक तरह से मतलब नीचे की ओर धकेलने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इनसे वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि वक्त वक्त पे कांग्रेस उठ के खड़ी हो रही है, इस वजह से उनको डर लग रहा है कि आगे को कहीं कांग्रेस फिर से आगे ना आ जाए, इस वजह से इन्होंने ये सुरक्षा हटाया और बदले की भावना से हटाया है। जब तक नहीं वापस करेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे और वापस लेके रहेंगे, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। जी एक चीज़ और है कि आज पार्लियामेंट के बारे में जैसे इन्होंने कहा कि हम एसपीजी हटाने का वहाँ बुलाएंगे प्रस्ताव, राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री थे, जब भी ये पार्लियामेंट में इसी तरह का प्रस्ताव लाए और उनके एसपीजी हटा दी और उनकी हत्या हो गई, आज फिर ये वही प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं जी पार्लियामेंट के अंदर, जो बहुत ही निंदनीय है। इससे हमारे नेताओं को जिन्होंने राष्ट्र के लिए इतनी कुर्बानी दी है उनकी जान को खतरा है जी। हम पूरे देश की जनता ही जो पार्लियामेंट में आज इन्होंने कहा कि प्रस्ताव लाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री से एसपीजी हटाएंगे, यह सबसे खतरनाक प्रस्ताव है जी। इसी से राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी और बाद में फिर सरकार ने माफ़ी मांगी थी और फिर बाद में पूर्व प्रधानमंत्री को एसपीजी दी गई थी जी, और ये आज फिर वही गलती कर रहे हैं जो गलती 1990 में की गई थी जी। तो इसलिए पूर्व प्रधानमंत्रियों को पूरी तरह से एसपीजी मिलनी चाहिए, और यह परिवार तो वो है जिसकी वजह से आज ये सारा देश कायम है जी। इन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दे करके इस देश की एकता अखंडता को कायम रखा है जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। देखिए एक ऐसा परिवार जिसके परिवार के दो सदस्य पहले ही ऐसे हादसों का शिकार हो चुके हैं और आतंकवादियों की नापाक जो मंसूबे हैं उनका शिकार हो चुके हैं, ऐसे परिवार के सदस्यों से एसपीजी हटाना निश्चित ही षड्यंत्रकारी उनकी नीतियां हैं,
वो बदले की राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक ऐसा परिवार जिसने ऐसे निर्णय लिए हैं जो देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उसके बाद उनके साथ एक ऐसे हादसे हुए, उनकी हत्या हुई आतंकवादी हमलों में, ऐसे परिवारों से जब आप सुरक्षा वापस लेने की सोचते हैं, तो यदि कल को आप सीट से उतरेंगे और आपकी एसपीजी सुरक्षा वापस ली जाएगी, जैसा कि वो कहते हैं कथित तौर पर कि उनकी जान को खतरा है, आतंकवादी संगठन उनको धमकी देते हैं, यदि उनकी एसपीजी सुरक्षा वापस ली जाए तो कैसा रहेगा? और बीजेपी के लोग जो इसका समर्थन कर रहे हैं उस बारे में उनका क्या मत होगा? मैं उनसे यही सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि ये राजनीति से ऊपर उठकर सोचने वाला मुद्दा है, ये देश के लिए सोचने वाला मुद्दा है। देश के लिए जिन लोगों ने काम किया है प्रधानमंत्री पद के तौर पर, उनका और उनके परिवार के बारे में सोचने वाला मुद्दा है। तो मैं ये कहूँगा कि राजनीति छोड़कर एक ऐसा निर्णय लिया जाए जो देश के लिए, उनके उसके सम्मान के लिए, पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए, उनके परिवार के सदस्यों के लिए सुरक्षा की को निश्चित करे और उनकी एसपीजी सुरक्षा वापस की जाए, और ये जो बिल लाया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर, इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। सरकार का षड्यंत्र है, सही कैसे है, 28-30 साल से सिक्योरिटी चल रही है और जिस परिवार में दो लोगों की हत्या हो जाए, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी की, उसकी सुरक्षा हटाकर वो कांग्रेस को नीचा दिखाना चाहते हैं और उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। क्या लगता है ऐसे धरना प्रदर्शन करने से क्या उन्हें एसपीजी सुरक्षा वापसी मिल पाएगी? देखिए, मिले या ना मिले, हमारा काम कोशिश करना है, अपने नेताओं की सुरक्षा के लिए हमें लड़ाई लड़नी है। वो मुझे नहीं लगता वो मानेंगे, वो तो ये चाहते हैं कि सारी पार्टियाँ खत्म हो जाएं और बस अकेले वही बैठे रहें, लेकिन ऐसा इस देश के लोग होने नहीं देंगे। क्या लगता है कि मोदी की रणनीति के सामने कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं दबती जा रही है, उनके जाल में फंस रही है? कहाँ दबती जा रही है, अब देखो ना, स्टेट छीनने और छीनेंगे और आने वाला टाइम कांग्रेस का ही है। देश को बर्बाद कर दिया इन्होंने, रोजगार कारोबार खत्म हो गया, नौजवान सड़कों पर है, किसान खेतों में परेशान है, इनका वक्त चला गया, आने वाला टाइम कांग्रेस का है। सर, आपको क्या लगता है ये एसपीजी सुरक्षा जो वापसी ली गई है, क्या ये वापसी मिल पाएगी उन्हें? देखिए, एसपीजी सुरक्षा हमेशा रही है, आपने देखा, चाहे किसी, आपने देखा अटल बिहारी सरकार थी और श्रीमती सोनिया गांधी जी की सुरक्षा सुनिश्चित थी। आज जो तानाशाही मोदी जी ने चला रखी है, आप देख रहे हैं जीएसटी, नोटबंदी और लोगों के रोजगार पे जो उनकी हाय पड़ेगी, वाकई वो ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सिर से सींग गया। आप देख रहे हैं कि उन्होंने झूठ की राजनीति शुरू कर दी है और अपनी बात पर अटल रहते हैं। जो हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सुरक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी जी की सुरक्षा, राहुल गांधी जी की सुरक्षा और श्रीमती प्रियंका गांधी जी की सुरक्षा जो उन्होंने हटाई है, वो बिल्कुल एकदम गलत है और वो उन्हें उनकी सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर किसी तरह उनके साथ कोई हादसा होगा तो वो जिम्मेदार मोदी जी होंगे। उनका कहना है कि जेड प्लस की सुरक्षा जो मुहैया कराई गई है वो काफ़ी है उनके लिए। देखिए, ऐसा एसपीजी सुरक्षा हमेशा पहले से ही उनके परिवार के लिए, उनके साथ एसपीजी सुरक्षा हटाई किस लिए उन्होंने? असल में क्या, ये पूरा देश मंदी के दौर से लग रहा है और हम अगर ये एसपीजी सुरक्षा उन्होंने मंदी के दौर में हटाई है, अगर इससे मंदी दूर हो सकती है तो हम उसे उनसे मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन एसपीजी सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए जो हमेशा उनको सुरक्षा मिलती आई है। बल्कि मोदी जी को चाहिए था कि आज वो सरकार में है, इनकी सुरक्षा और बढ़ाई जानी चाहिए थी, क्योंकि कभी भी आप देख रहे हैं कि उनके परिवार का बलिदान हुआ है, हमेशा इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का तो बलिदान ही हुआ है। मोदी तो इसीलिए इसलिए अपना छोटेपन का जो छोटेपन का वो दिखाया है, उनका बड़कपन जब होता कि हमारे जो मुखिया लोग हैं कांग्रेस परिवार के, जिनके घर के दो दो सदस्यों की हत्या हो चुकी हो, उनकी सुरक्षा हटाने का मतलब, हम तो ये मानते हैं कार्यकर्ता कोई षड्यंत्र है कि हमारे दोनों नेताओं की हत्या कराना चाहते हैं और ताकि हमारी पार्टी खत्म हो जाए, हम लोग खत्म हो जाए, इनका कोई विरोधी ना हो। राहुल जी और सोनिया गांधी जी, प्रियंका जी गांधी जी की सुरक्षा हटाने में इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है, कुछ षड्यंत्रकारी है, झूठे लोग हैं, इनका एक तीर से कितने शिकार करते हैं इनका मालूम नहीं है। अमित शाह जी, मोदी जी, दोनों का ही ये गलत, झूठे लोग हैं और उन्होंने बहुत गलत किया है। दुश्मनी की भावना से ये सुरक्षा हटाई गई है, ना कि कोई देश की उसके देखने के लिए सुरक्षा हटाई गई है। यहाँ जो मौजूद कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा वापसी ली गई है, शायद उन्हें अब उसकी ज़रूरत नहीं है, जो जेड प्लस की सुरक्षा उन्हें मुहैया कराई गई है वो काफ़ी है। या फिर उनका कहना है कि सरकार की कहीं ना कहीं यहाँ राजनीति दिखती है, कोई षड्यंत्र है जो कि वो गांधी परिवार को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाना चाहते हैं।